अगली खबर की ओर। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स ने एक बार फिर से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। आज राज्य प्रधान सुनीता की अध्यक्षता में स्थानीय चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर स्टाफ नर्सेज ने काले बिल्ले लगाकर रोष जताया। राज्य प्रधान सुनीता ने कहा कि नर्सिंग ऑफिसर्स की दो मांगे अरसे से लंबित हैं, जिनमें 7200 रुपए नर्सिंग अलाउंस व नर्सिंग ऑफिसर्स को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया जाना यानी ग्रुप बी में शामिल किया जाना है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार नर्सिंग ऑफिसर को 9200 रुपए नर्सिंग अलाउंस दे रही है और हरियाणा सरकार भी PGIMS रोहतक की नर्सिंग ऑफिसर को नर्सिंग अलाउंस दे रही है, जबकि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज की बैठक में दोनों मांगों पर फिर से चर्चा की गई और आने वाले 25 तारीख को 2 घंटे के लिए सभी नर्स पैन डाउन विरोध प्रदर्शन करेंगे। भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। जैसे गजटेड वाली बात मैं कहूँ या भी ग्रुप वाली बात मैं कहूँ कि हमारे जैसे क्लरिकल स्टाफ होता है, बहुत पहले तो 10वीं से ही होता था, आजकल सारी जगह प्लस टू चल रहा है, तो क्लरिकल में प्लस टू बेस पे जो भी क्लर्क भर्ती होता है वो लास्ट में प्रमोट होके और सुप्रिटेंडेंट बन जाता है, सुप्रिटेंडेंट गजटेड पोस्ट में आता है। ऐसे ही मैंने पहले भी बोला है कि जैसे फार्मेसी को दे दिया, बहुत सारी और भी पोस्ट हैं, जैसे तहसीलदार है 4200 का स्केल है लेकिन गजटेड पोस्ट में आते हैं। तो मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि हमें ग्रुप सी से ग्रुप बी में किया जाए, इसमें सरकार का कुछ भी नहीं लगना है और हमारी जो पोस्ट है मैटर्न की जो पोस्ट है वो गजटेड होनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है और बहुत पहले से हमारा स्केल 4200 रुपए था और अब हमारा स्केल 4400 है और मैटर्न का जो स्केल है हमारा 6000 का स्केल है।